यो अलियो मिजाजा ट्रेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू डेली शेयर व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अब्दुल्ला भाई आ गया है। आज है 15 तारीख जुमेरात का दिन, वही ड्राइवरों की ये खुशी वाला दिन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी नहीं चालू होती फिर भी, दो सेल्फ में चालू हुई है, पता नहीं ये क्या करेगी आगे जाके, अल्लाह आलम। कल रात से ये ऐसे कर रही थी। बंदा पेट्रोल भी ख़त्म था गाड़ी में, तो मैंने बंदे को बोला, ऑलरेडी इसको मैसेज किया था कि मैं भाई आते आते जो है बेंजिन के पैसे लाना। तो ये बंदा जो है व्हाट्सअप चेक नहीं किया, इसीलिए जो है नहीं लेके आया। ये पानी भी लेके आता है देखो मेरे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी निकल रहे भाई को छोड़ने। आज है लास्ट दिन जॉब्स का सऊदी अरब में, जो जितने भी काम करने वाले बंदे हैं सहतिक सबका लास्ट दिन है आज, क्योंकि ईद की छुट्टियां मिल गई है। वैसे तो जुम्मा को और हफ्ते को छुट्टी रहता ही है, और इतवार पीर मंगल चाशुमा मुमकिन है। जो आने वाला जो हफ्ता है पूरे हफ्ता छुट्टी रहेगा। तो अभी हम डलाएंगे यहाँ से 100 रियाल का पेट्रोल। देखो गाड़ी में पेट्रोल रोबा है, रोबा यानी कि वो आधे में का आधा उसको रोबा बोलते हैं। अरे भैया इतना स्लो में लगाएंगे यार तो कहाँ से चलेगा यार, थोड़ा फास्ट लगाना चाहिए इसको, इसको फास्ट करना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए ना। 100 रियाल का कंप्लीट हो गया। देखो 2 रियाल 18 हलाला लीटर है, ग्रीन वाला, रेड वाला पता नहीं। लगता है ये बंदा मेरे साथ गेम खेलने की सोच रहा है। मैं जाना चाहता हूँ साइड मार के, तो ये जाने नहीं दे रहा है मेरे को सामने से, इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अगर कुछ गौरबार करेगा ना तो रिकॉर्ड हो जाएगा, अपने पास प्रूफ पड़ा रहेगा। देखो मैं साइड मारने की कोशिश करता हूँ, ये कैसे करेगा मेरे को। अभी अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं किया कुछ भी है। मैं जैसे फ़ोन लगाया ना इधर सामने तो वो खामोश बैठ गया, नहीं तो यमीन यसार कर रहा है जब से। हौले लोग कहाँ से पैदा हो जाते कि क्या नहीं। गाड़ी के साथ गेम नहीं खेलना, गाड़ी अगर लगेगी तो मरेगा या बचेगा पता नहीं चलेगा। अल्लाह करीम ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे। मेरे को मालूम था, इसीलिए जो है मैं कहां पर भी नहीं गया। तो अभी देखो आए हैं यहां, ये पूरा जो है फार्मेसीज का एरिया है यहां। यहां पूरे सैदलिया है, यहां पूरी दवाई वगैरह मिलता है, हर एक चीज़ यहां, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह सब मिलता है। हयल वजीरात का एक इशारा है, हारा के बाजू में ही है ये। तो यहाँ पर कफील के साथ आया हूँ मैं, उनके अब्बा के लिए कुछ लेना था। तो ये पूरा एरिया वही है माशाल्लाह। अब यहाँ से सीधा हम वापस जाएँगे, ऐसे तो जाएँगे लंच बॉक्स जो होटल है ना वो साइड में जाएंगे। माशाल्लाह पता नहीं क्या लेने के लिए आए हैं हमारे कफील यहाँ से। ऑक्सीजन लिए थे इससे पहले 5000 रियाल का, 5000 रियाल यहाँ से नहीं लिए थे, वो हॉस्पिटल से लिए थे छोटा वाला ऑक्सीजन। अभी मैं आया था हॉस्पिटल के पास में सुलेमान अल हबीब। ये चाचा देखो रोड को माप रहे हैं, इतना धूप में रोड को मापते हुए जा रहे हैं, लगता है रोड बनने वाली होगी। तो ये है वो हॉस्पिटल सुलेमान अल हबीब। तो यहाँ पर लेके आया हूँ कफील को। ईद के छुट्टियां मिल गए। आप देखो यहाँ से आज जुमेरात है ना, तो हर एक इतवार तक मुमकिन छुट्टियां रहते, क्योंकि पीर के मंगल के दिन यहाँ पर ईद होने वाली है। तो उस वजह से जो है ये लोगों को छुट्टियां मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अभी मैं नया रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था तो रास्ता भूल गया हूँ। यहाँ से मेरे को करना पड़ेगा लोकेशन चालू करके मेरे को जाना किधर है अभी मैं देखता हूँ। होम करके सेट किया हुआ है मेरा घर का लोकेशन। मैं कहाँ पर आ गया मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ पर आ गया। देखो आपको रोड बताता हूँ पीछे। तो अभी छुट्टियाँ खत्म, हमारी कोई छुट्टी नहीं रहती है भाई, हमारे लिए नो छुट्टी, इनके लिए छुट्टी होती है। अभी चलते हैं इधर। चलो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं वादिया लाइसन कहते हैं, वादिया लाइसन अदरक, पता नहीं कौन सी है ये रोड, वादिया लाइसन। ये कहाँ से किधर से निकालेगी आपको बताएंगे। तो मैं ऐसे ही करता हूँ कभी कभी, नया नया रूट लेता रहता हूँ क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, कौन से एरिया में जा रहे हैं। अकेला सीधा आने के बाद हम आए हैं राउंड अबाउट के पास में। यहाँ पर क्या है पता नहीं भाई, रियाद बहुत बड़ा है यार, रियाद छोटा नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पूरा घूमने की लेकिन घूम नहीं पाता हूँ। अब्दुल्ला क्या फादर तारीख जदीद कोई यहाँ पर पता नहीं कुछ बना हुआ है, बहुत बड़ा है, सारे कैमरे लगे हुए है। ये जो एरिया है ऊंचाई पे, अब मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो एरिया बहुत ऊंचाई पे है और वहाँ से जो है हमको क्या नज़र आता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अफ़लीना अय्यो, वहाँ से पूरा रियाद नज़र आता है, पूरा किंगडम टावर वगैरह वगैरह जितना भी है ना पूरा नज़र आता है रियाद का, क्योंकि उधर पूरा गवर्नमेंटल एरिया है इसीलिए मैं शूट नहीं किया। अब्दुल अजीज बिन रईस, पता नहीं कौन सी ये क्यों उल्टा उल्टा आ रहा है भाई, कैसे करने वाला है। तो मैं जा रहा हूँ अभी नया रूट से, पता नहीं कौन सा एरिया है यार ये, मेरे को लगता है इधर मैं पहले आ चुका हूँ। वो आ चुका हूँ। अरे यार पहले जब मैं आया था तो ये पूरे जितने भी झाड़ है ना, जहाँ पर मैं आपको झाड़ बताने वाला था तो वहाँ पर मेरे फ़ोन का स्टोरेज जो है फुल हो गया, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ फ़ोन से, तो आगे की जो वीडियो थी वो शूट नहीं कर पाया, वो रास्ते से मैं गुजर के निकल गया तो दोबारा उस रास्ते पर मैं नहीं जा सकता। अब जब अब्दुल्ला की ऑफिस चालू होगी तभी मैं वो एरिया को बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा दोनों तरफ से इसे झाड़ आए हुए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत पुराना एरिया है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में मजरा है। तो वो शूट करने की मैं कोशिश किया लेकिन स्टोरेज फुल हो गया, मैं कैमरे को देखा ही नहीं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अभी हम जा रहे हैं घर को, अभी इंशाल्लाह संडे को या मंडे को हमको जाना पड़ेगा बकरी मंडी यानी कि मेंढी लाने के वास्ते, क्योंकि जहाँ से हम बाजार को मार्केट को नहीं जाना पड़ता हमको, तो जहाँ से, अरे यार कितना खराब रोड है यार, जहाँ से हम ये मेंढी लाते हैं ना, शीप जिसको बोलते हैं, शीप जुबा करने के लिए, तो वो इसके भौनी है, इसके भाईजान, इसके बहन के शोहर, तो उनका मजरा है तो वहाँ पर मिल जाती है, तो वहीं से उठा के लाते हैं 8-10 ऐसे उठा के लाते हैं। तो पता नहीं अब संडे को जाना है या मंडे को जाना है, अल्लाह आलम, देखते हैं इंशाल्लाह। अभी जो है घर पे चलते हैं, लंच करते हैं और देखते हैं क्या होता है ज़िंदगी में। अब अब्दुल्ला भाई तो मिलेगा नहीं अब ईद तक, वैसे हमको गांव को भी जाना पड़ेगा हरिमला, इंशाल्लाह जाते हैं, रमज़ान को गए हैं तो हो सकता है ये ईद को भी जाएं, गारंटी नहीं है, जाएंगे या नहीं जाएंगे देखते हैं। Much later. तो भाई अभी 5:48 हो रहा है, अभी तक जो है अपलोड हो जाना चाहिए था वीडियो लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ, वजह यह है कि मेरे गाड़ी का सेल्फ फिर से ख़राब हो गया, इसलिए मैं इनोवा लेकर के घूम रहा हूँ अभी, उसी के चक्कर में थोड़ा परेशान था। अभी फिर से मेरे को सलाम मॉल जाना पड़ा, बहुत सारा काम अभी आज जुमेरात है तो बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, ख्याल रखिएगा अपना, अभी सिग्नल खुलने वाला है और मैं आगे निकलने वाला हूँ, तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।